मैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी आराध्या क्लिनिक की तरफ से 15 अगस्त की अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये तो बहुत अच्छा समय आया कि राम मंदिर का पूजन हो गया, और राम मंदिर का पूजन होने की वजह से हमें आंतरिक बहुत खुशी है इस बात की। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये 15 अगस्त जो 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, आज ये बड़े गर्व का दिन आता है साल में एक बार कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें मैं अपने सभी साथियों से, सभी इष्ट मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, खूब अच्छे से मनाएं और जगह जगह फ्लैग मार्च करें। ये बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है और बहुत सुखद दिन है भारत के लिए, क्योंकि इससे पहले हमारा देश 1947 से पहले बहुत गुलामी झेल रहा था। ये एक ऐसा दिन आया जिस दिन हमारा देश गुलामी से मुक्त हुआ और एक अच्छे भारत का निर्माण हुआ। इस भारत में हम लोगों ने जन्म लिया है, इसलिए इस दिन को खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें, खूब अच्छे से मनाएं। ये मेरी देशवासियों के लिए शुभकामनाएं हैं। इस समय अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाने से, बाहर के खाने में कई तरह की मिलावट होती है, दूध में मिलावट होती है जिससे मिठाई बनती है, इन सब चीज़ों का बचाव करना चाहिए। बाहर ना तो कोई कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, ना आइसक्रीम खानी चाहिए, ना ही ठंडा पानी का सेवन करना चाहिए। ये समय है हम चाय पिए, गर्म पानी पिए और काढ़ा पिए, ये समय ये है, क्योंकि हमें बहुत बड़ी महामारी कोरोना से बचना है और बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हाथों में ग्लव्स पहनने होंगे, मास्क लगा के रखना होगा। ये सब करने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम अच्छे रहेंगे तो हमारा मित्र भी अच्छा रहेगा, सभी लोग अच्छे रहेंगे। इसलिए सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूँगा, उन्हें कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस 15 अगस्त के त्यौहार को मनाएं, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें, लेकिन प्रॉपर दूरियां बनाए रखें, क्योंकि अभी ये दूरियां जो हैं, ये साल बचने का साल है 2020। अगर इस साल हम लोग बच गए, कोरोना से बचे, तो बहुत अच्छा रहेगा। यही मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।